नमस्कार, 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मॉर्निंग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। मॉर्निंग ब्रेकिंग मतलब सुबह सुबह की ताजा तरीन खबरें। और आज तो बड़ी खबर ये है कि जो 72 साल से नहीं हुआ था वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में कर दिखाया। यानी पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले कश्मीर को ही एजेंडे पर लिया और किसी भी धमकी से डरे बिना कश्मीर को सही मायनों में भारत के साथ जोड़ दिया। और आज कश्मीर में सब कुछ बदल जाएगा। आज की तारीख यानी 31 अक्टूबर 2019 भारत के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि आज से कश्मीर में पुराना सब कुछ बदल जाएगा और नया कश्मीर होगा। आज से ही जम्मू कश्मीर में राज्यपाल नहीं होंगे, बल्कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल और राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब रणबीर पेनल कोड नहीं बल्कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता लागू होगी। अब कानून का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। आज से जम्मू कश्मीर में ये 10 नए बदलाव लागू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर आज से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर में RPC की जगह IPC लागू होगी। जम्मू कश्मीर में 106 नए कानून लागू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में 153 विशेष कानून खत्म हो चुके हैं। उर्दू की जगह हिंदी, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा गठित होगी। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। विधानसभा से पास किए गए बिल पर अंतिम फैसला LG लेंगे। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष की बजाय 5 वर्ष का होगा। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल भी तैयार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के 300 किलोमीटर लंबे हाईवे पर ट्रकों की आवाजाही 1 नवंबर तक के लिए रोक दी गई है। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, सबसे पहले ये बताइए किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि आज एक बदलाव जो आएगा वो इतिहास अपने आप में बन जाएगा। चलिए खालिद हुसैन का हम रुख करें, लेकिन आप ये तस्वीरें पहले देख लीजिए। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इसी चौक पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज वल्लभ भाई पटेल जन्मदिवस दिवस के तौर पर मनाते हुए हम सभी भारतीय गौरवान्वित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री अमित शाह और फिर गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अखंड भारत का आधार सबसे ऊंचे सरदार, और ये जो संकल्प है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, और यही कारण है कि सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की जहां आज प्रधानमंत्री होंगे वो तस्वीरें भी साझा करेंगे आपके साथ। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तमाम नेता इस वक्त एकता दौड़ की शुरुआत होगी। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, अमित शाह पहुंचे, उनके साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं, और आपको ये भी बता दें राज्य इकाइयां जो हैं उन्होंने भी अपने तरीके से कार्यक्रमों को आयोजित किया है। प्रधानमंत्री गुजरात में है, कल रात वो इलाहाबाद पहुंचे थे, और अभी ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और फिर गृह मंत्री अमित शाह। तो इन तस्वीरों पे वापस लौटेंगे, आपको दिखाएंगे और कहां कहां किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो सबसे बड़ी बात होती है बदलाव की। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खालिद, आज बहुत बड़ा दिन है, आप बताइए एक बार फिर से किस तरह की तैयारियां हैं और क्या जानकारी है आपके पास।
देखिए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही पे आज रोक लगा दी गई है। वहीं जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कारगिल में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। आज जम्मू कश्मीर की जो चीफ जस्टिस है गीता मित्तल, वो पहले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी और शपथ दिलाएंगी जो एलजी हैं लद्दाख के, उनको 8 बजे के करीब, और फिर 1:45 पर श्रीनगर में एक दूसरा शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें एलजी जो नए आए हैं, जो कल यहाँ पहुँचे हैं हरीश चंद्र, उनका शपथ ग्रहण होगा यहाँ राजभवन में। काफ़ी बदलाव आज से हो रहे हैं। आरपीसी जो रंबीन पैनल कोड था वो अब आईपीसी हो जाएगा, इंडियन पैनल कोड। इसके अलावा जो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके पावर्स या होम के पावर्स अगर हम बात करें, पुलिस जो होगी स्टेट की वो केंद्र के पास रहेगा और डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे एलजी रहेगा, लेकिन एमएचए के थ्रू वो सारा ऑपरेट होगा। कुछ और मैं आपको बताता हूँ, जो फंक्शनिंग होगी वो पौंडीचेरी जिस तरह से आर्टिकल 23A के तहत चलती है, वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 23A यहाँ पे लागू होगा, उसी हिसाब से यहाँ फंक्शनिंग होगी। जो कार्यकाल यहाँ 6 साल का होता था विधानसभा का, अब वो 5 साल का रहेगा। जो अगर हम बात करें जो आउटगोइंग असेंबली है उसके 111 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब 107 मेंबर रहेंगे। इसी तरह से काफ़ी बदलाव है। जो राज्यसभा के 4 सदस्य रहा करते थे वो वैसे ही रहेंगे, लोकसभा के जो हमारे यहाँ रहते थे 5 सीटें वो वैसी ही रहेंगी, लेकिन काफ़ी बदलाव होंगे यहाँ पर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसमें बदलाव होगा, वो भी राज लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रह सकता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक नया कश्मीर जिसे कहा जाता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो लॉन्स होगी उसके हिसाब से, या फिर इसे ऐसे कहें खालिद हुसैन कि कश्मीर को भी वो सब कुछ मिलेगा जो देश के बाकी राज्यों को मिलता आया है, वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी जो देश के बाकी राज्यों के लोगों को मिलती आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर। आज न्यूज लगातार बना रहेगा, हर एक अपडेट हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विपक्ष कितना भी विरोध करे, लेकिन विदेशी सांसदों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की भी पोल खोल दी। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन के 23 सांसदों ने जम्मू कश्मीर के 2 दिनों का दौरा किया। यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात देखे और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। सांसदों ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया। टेररिज्म इन कश्मीर इज नॉट प्रॉब्लम ओनली ऑफ इंडिया, आई थिंक इट्स आवर प्रॉब्लम आल्सो, द प्रॉब्लम ऑफ आवर इंटरनेशनल कम्युनिटी, एंड ऑब्वियसली वी नीड सपोर्ट इंडिया for finding of best solution। यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को भी घेरा। With very good presentation from the army and from the police and from the civil authorities, is unfortunately coming from the boat. Majority of terrorists who have been killed, who have been put to prison, came from Pakistan. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर भेजने की मांग की है। सरदार पटेल को जयंती पर आज देश भर में एकता की दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं पीएम मोदी भी केवड़िया में सरदार पटेल को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद से केवड़िया जाएंगे। पीएम मोदी आज सुबह 8 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, एकता दिवस परेड की शुरुआत करेंगे। वहीं दोपहर 12:25 पर प्रोबेशनरी IAS अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। फिर शाम 5 बजे पीएम मोदी केवड़िया से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के पूरे इलाके को LED लाइट से रोशन किया गया है। LED लाइट से सरदार पटेल की मूर्ति के आसपास के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को सतरंगी रोशनी से सजाया गया है। वहीं गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने कल गांधीनगर में अपनी मां से मुलाकात की। आज शाम ही वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मां हीराबेन से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। इससे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधा मां से मिलने के लिए पहुंचे।
गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। माँ से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में राजभवन में ही रात बिताई। आज शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने अपील की है। संघ का कहना है कि फैसला जो भी हो खुले मन से इसे स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आरएसएस ने पूरे देश से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। आरएसएस ने कहा है कि कोर्ट के फैसले को खुले मन से स्वीकार किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने ट्वीट करके कहा कि आगामी दिनों में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है। निर्णय जो भी आए उसे सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, यह सबका दायित्व है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अगले महीने नवंबर में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। वहीं महाराष्ट्र में एक से दो दिन में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। शिवसेना के तेवर थोड़े ढीले हुए और आज उसकी बैठक है। महाराष्ट्र में जल्द ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार के गठन के आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। शिवसेना के मौजूदा रुख को देखते हुए बीजेपी नई सरकार में डिप्टी सीएम के पद समेत शिवसेना को 12 की जगह 14 मंत्री पद दे सकती है। आज शिवसेना की अहम बैठक है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनादेश बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के लिए है, ऐसे में गठबंधन सरकार ही बनाई जाएगी। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद शिवसेना के रुख में भी नरमी आई है। हालांकि शिवसेना का कहना है कि जो बात तय हुई थी उसी रास्ते से सरकार बनाई जाएगी। जो बात तय हुई थी गठबंधन के बारे में या सत्ता के बंटवारे के बारे में, जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि सरकार महायुति की बनेगी, हम भी चाहते हैं सरकार महायुति की बनेगी। दिल्ली पुलिस को आज किराए के घर से आजादी मिल जाएगी। जी हाँ, 44 साल बाद दिल्ली पुलिस को नया मुख्यालय मिलेगा। दिल्ली पुलिस के नए हेडक्वार्टर का आज गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस का नया हेडक्वार्टर संसद मार्ग थाने के पास जयसिंह रोड पर बनाया जा रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। 1 नवंबर से आईटीओ के सभी वरिष्ठ अधिकारी नए मुख्यालय में बैठा करेंगे और धीरे धीरे पुराने मुख्यालय को खाली कर दिया जाएगा। यहाँ ट्रैफिक के साथ दिल्ली पुलिस को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। बताया जा रहा है कि नया हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की तर्ज पर होगा। 8 एकड़ में बनाए जा रहे इस मुख्यालय में सभी अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठ पाएंगे। बेसमेंट में पार्किंग के साथ खास इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा कार और बाइक्स की पार्किंग यहां की जा सकेगी। जनवरी 2016 में नए मुख्यालय के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। ट्रक ने बाइक और वैन को टक्कर मारी। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 सदस्य भी हैं। इनमें 2 बच्चे, 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदला लाइफस्टाइल बीमारियों की असली वजह है, इसका खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। भारत में तेजी से बढ़ती बीमारियों की असल वजह हमारा लाइफस्टाइल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिलीज किया है जिसके मुताबिक लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। 340 पन्नों के इस दस्तावेज में बताया गया है कि 1990 से 2016 के बीच बीमारियां 30% से बढ़कर 55% हो गई हैं, जबकि संक्रमण वाली बीमारियां कम हुई हैं। 1990 से 2016 के बीच ये बीमारियां 61% से घटकर 33% हो गई हैं। हेल्थ प्रोफाइल में बताया गया है कि अब लोग प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे ज्यादा रह रहे हैं जिससे इलाज का खर्च और बढ़ रहा है।